देखो 16 चैप्टर की अगर मैं बात करूँ तो 16 चैप्टर में टोटल 3 एक्ट पढ़ने वाले, ठीक है। अगर कॉमन नेम की बात करूँ तो कॉमन नेम क्या है, लॉ ऑफ वेलफेयर्स, वेलफेयर वर्किंग कंडीशन। तो कह रहे कि भाई हम किसी फैक्ट्रीज में वर्किंग कंडीशन की बात कर रहे हैं, वहाँ पे काम करने वाले जो भी लेबर्स होते हैं उनके वेलफेयर की बात करें, तो इसको लेकर एक एक्ट पढ़ चुके हैं। कौन सा वाला एक्ट पढ़ चुके हैं, चाइल्ड एंड एडोलसेंट का। अगर मैं मीनिंग की बात करूं तो क्या एज थी, 14 कंप्लीट हो गया है और 18 कंप्लीट नहीं हुआ है। अब जो हम एक्ट पढ़ने वाले वो एक्ट है फैक्ट्रीज एक्ट। एक्ट का नाम क्या है, फैक्ट्रीज एक्ट। तो यहाँ पर अगर एडोलसेंट की बात करूँ तो इसकी डेफिनेशन अलग होगी, सेम डेफिनेशन नहीं है। हर एक्ट अपनी खुद की एक डेफिनेशन देगा, आपको वही डेफिनेशन उसके लिए प्रेफर करनी पड़ेगी, ठीक है। चल तो इसमें भी हम क्या पढ़ेंगे, एडल्ट कौन होता है, दूसरा क्या है, अडोलसेंट क्या होता है। इसमें वो 14-18 वाली एज नहीं है, इसलिए 14 की जगह 15 हो जाएगा, ठीक है। तो यस, सब में एज थोड़ी सी डिफर करेगी, आपको वो थोड़ा डेटा याद रखना पड़ेगा। फिर हम देखेंगे कैलेंडर ईयर, चाइल्ड क्या होता है, ठीक है। हजार डेज प्रोसेस, वहाँ पे चाइल्ड क्या पढ़ा था अपन ने, क्या एज थी, 14 ईयर्स कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि कंप्लीट हो जाएगा तो अडोलसेंट में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने क्या बोल दिया, उस 14 की जगह क्या हो गया है, 15 हो गया है, ठीक है। तो ऐसे बस एजेस से देखनी पड़ेगी। चलिए स्टार्ट करेंगे। तो ये जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं ये फैक्ट्रीज एक्ट को लेकर बात करता है। जो फैक्ट्रीज एक्ट है ये एक्चुअल में है क्या, ये कंसोलिडेशन है। व्हाट यू मीन बाय कंसोलिडेट, कंसोलिडेशन, इकट्ठा साथ में, ठीक है। चलिए, फैक्ट्रीज एक्ट कंसोलिडेट करता है, अमेंड करता है लॉ जो भी रेगुलेट करता है लेबर इन फैक्ट्रीज। फैक्ट्रीज एक्ट सारे के सारे लॉस को एक साथ इकट्ठा कर कंसोलिडेट कर अमेंड करके पूरी फैक्ट्रीज में एप्लीकेबल है। तो मतलब बहुत सारे लॉस इसके अंदर ही इंक्लूडेड काइंड ऑफ है। ये पूरा का पूरा इंट्रोडक्शन रीड करने की जरूरत ही नहीं है, जनरल जनरल बातें दे रखी है। देन इसके बाद उन्होंने हिस्ट्री बता के रखी है, स्टार्टिंग से बताया है फैक्ट्रीज एक्ट पहले पुराना क्या था, फिर उसको रिप्लेस कर क्या आया। बस इसमें एक ही चीज़ आपको पढ़ना है, देखो ये सब ईयर दे रखे हैं, ये ईयर आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, पूरी हिस्ट्री है। द फैक्ट्रीज एक्ट जो फाइनल वाला अभी जो हम पढ़ते हैं वो कौन सा पढ़ते हैं, फैक्ट्रीज एक्ट 1948। टाइम टाइम पर यस ऑफकोर्स सारे एक्ट बदलते रहते हैं, जैसे जैसे टाइम बदलता है फैक्ट्रीज एक्ट भी बदला, ठीक है। सबसे बड़ा जो मेजर चेंज आया फैक्ट्रीज एक्ट में, दैट वॉज भोपाल गैस डिजास्टर, याद होगा आपको, है ना, इन जनरल, वेरी गुड, ठीक है। तो जो भी पूरी फैक्ट्रीज में काम करने वाले लोग थे उनकी डेथ हो गई, आसपास जो रहने वाले लोग थे उनकी डेथ हो गई। तो यस, इसे भोपाल गैस कांड, है ना, ये बहुत ही फेमस केस था, इसके कारण बहुत बड़ा चेंजेस आया फैक्ट्रीज एक्ट 1948, ठीक है। तो यस, पूरी हिस्ट्री में पूरी उन्होंने पुराना कब क्या आया था ये सब बता के रखा है, पढ़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूँ तो ना इंट्रोडक्शन इंपॉर्टेंट है और ना ही इसकी हिस्ट्री। अब इंपॉर्टेंट यहाँ से स्टार्ट करते हैं, जब कभी भी हम कोई भी एक्ट पढ़ते हैं तो उस एक्ट का एक पर्पस होता है, ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। जैसे आपने जिगल में भी पढ़ा, तो जिगल में हर एक एक्ट का अपना एक पर्पस होता है। जैसे कंपनीज एक्ट का अपना एक पर्पस है, कंपनीज एक्ट का क्या पर्पस है बताओ, कंपनी का, है ना, कंप्लाइंसेस हो, रूल्स रेगुलेशन फॉलो हो, ताकि इसका मैनेजमेंट सही तरीके से चल सके, यही है। सेम फैक्ट्रीज एक्ट पढ़ रहे, फैक्ट्रीज एक्ट का ऑब्जेक्ट क्या है, क्यों ये एक्ट बना है, तो चलिए पढ़ते हैं। सबसे पहला इसका ऑब्जेक्ट है प्रोवाइड करना एडुकेट कंपनसेशन टू द अफेक्टेड पर्सन। जैसे कि भोपाल गैस कांड की अगर मैं बात करूँ तो उसमें क्या हुआ, लोगों की डेथ हो गई, काम करने वालों के भी, तो उनको क्या मिलना चाहिए, कंपनसेशन। तो फैक्ट्रीज एक्ट बना क्यों है, पहला ये कि अगर कोई एक्सीडेंट होते हैं तो जिन लोगों के साथ ये हुआ है उनको कंपनसेशन मिल सके, ठीक है। चलिए, जितने भी पर्सन एम्प्लॉयड है किसमें, फैक्ट्रीज में, क्या बस फैक्ट्रीज की बात हो रही है, नहीं, चाहे वो फैक्ट्रीज हो, चाहे वो माइन का काम हो, प्लांटेशन का हो, कंस्ट्रक्शन का हो, मैकेनिकल, ठीक है, प्रॉपर व्हीकल का हो, जो भी मैकेनिकल मशीनरी का काम है, इन सारी चीज़ों में जो भी लोग काम कर रहे हैं इनकेस एक्सीडेंट्स होते हैं तो यस कंपनसेशन मिलना चाहिए। तो फैक्ट्रीज एक्ट का मेन पर्पज यही है। जो भी हैजार्डियस ऑक्यूपेशंस है, मतलब जो भी डेंजरस काम होते हैं उनमें जो भी काम कर रहे हैं उनमें रहने वाले लोग जो है उनको प्रॉपर जब वो काम करें तो भैया सेफ्टी होनी चाहिए, उनके वेलफेयर के बारे में हम सोचें, तो हर तरीके से उनके बारे में सोचा जाए, इसीलिए ये एक्ट बना है, ठीक है। तो ये एक्ट कवर करता है, इंश्योर करता है सेफ्टी मेजर्स, सॉरी क्या इंश्योर करता है, सेफ्टी मेजर्स, और साथ में प्रमोट करता है हेल्थ एंड वेलफेयर ऑफ द वर्कर्स एम्प्लॉयड इन द फैक्ट्री। तो इन शॉर्ट पहला पॉइंट अगर मैं आपको दूं तो पहला पॉइंट क्या है, कंपनसेशन प्रोवाइड करना इन सारी जगह पे काम करने वाले की। दूसरा पॉइंट बोलूं तो दैट वाज सेफ्टी
और तीसरा प्रमोट करना हेल्थ एंड वेलफेयर। तो तीन चीजें, अगर आपसे ऑब्जेक्ट पूछा जाए पॉइंट वाइज, तो आपको क्या ऑब्जेक्ट बताना है? पहला ऑब्जेक्ट क्या है? कंपनसेट, देन सेफ्टी, देन हेल्थ एंड वेलफेयर प्रमोट करना। क्लियर है? तो ये तीन बातें जो भी ये फैक्ट्रीज, माइन, हैजार्डियस ऑक्यूपेशन, इन सारी चीजों, ठीक। चले अब यहाँ पे उन्होंने कुछ केसेस के नाम दे रखे, ठीक है। तीनों केसेस से ही एक चीज बताता है, वो एक चीज क्या है कि भाई फैक्ट्रीज में जो काम कर रहे हैं एम्प्लॉयज है, उनको बचाने के लिए, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, उनको सेफ करने के लिए ये एक्ट आया है। तो चलो आ जाओ फटाफट देखेंगे। सबसे पहले जो रविशंकर का केस है, इसमें क्या बोल रखा है? वर्क फ्रॉम बींग, ठीक है, क्या किया जाता था उनको? एक्सप्लॉइट। व्हाट डू यू मीन बाय एक्सप्लॉइट, बताओ? क्या पढ़ा? एक्सप्लॉइट मतलब मिसयूज करना, है ना, अच्छे से ट्रीट नहीं करना, जितना काम होता है उससे ओवर काम कराना, पैसे कम देना, तो एक्सप्लॉइटेशन, ठीक है। बाय दी क्या लिखा है? ग्रीडी बिजनेसेस, मतलब जो भी लालची लोग हैं जो जबरदस्ती उनसे काम करवा रहे हैं, ठीक है, जो भी ग्रीडी बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट है। इट्स ऑल्सो प्रोवाइड द इम्प्रूवमेंट ऑफ द वर्किंग कंडीशन विद इन द फैक्ट्री प्रमाइसेस। ऑब्जेक्ट हमने पढ़ा, तीन ऑब्जेक्ट पढ़े, पहला क्या? कंपनसेशन, दूसरा क्या? सेफ्टी, तीसरा क्या? हेल्थ एंड वेलफेयर। ये तीन पढ़ा। अब इन तीनों की बात करूं तो यहाँ पे इस केस में उन्होंने क्या बताया कि हम क्या करना चाहते हैं? उन लोगों को बचाना चाहते हैं उन लालची लोगों से जो उनका मिसयूज करें, एक्सप्लॉइट करें, साथ में हम क्या इंश्योर करना चाहते हैं? उनकी वर्किंग कंडीशंस को। क्लियर है? चलो नेक्स्ट केस क्या बोलता है? ऑक्यूपायर कौन होता है? ऑक्यूपायर जो कंट्रोल करता है, ठीक है। ऑक्यूपायर सर्टेन ऑब्लिगेशन टू प्रोटेक्ट द वर्कर्स। भाई ऑक्यूपायर जो फैक्ट्री का मालिक है, उसकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, उसकी कुछ ऑब्लिगेशन बनती है कि भाई आपको सेफ्टी मेजर्स रखने चाहिए। आप वो सारे सेफ्टी मेजर्स रख ही नहीं रहे, ठीक है, तो इसीलिए इसीलिए ये एक्ट आया। देन नेक्स्ट केस क्या बोलता है? सेफ्टी, हेल्थ, वेलफेयर वर्कर को मिलना चाहिए जो भी इन एडुकेट अनसेटिस्फैक्टरी सर्कमस्टेंसेस में वो जो काम कर रहे हैं। क्लैरिटी है? तो सारे केस का कंक्लूजन बस यही है। तो आपको आपको है ना, इन केसेस के थ्रू वो आपको क्या बताना चाह रहे हैं? बस वो आपको यही बताना चाह रहे हैं कि आपको ये एक्ट क्या प्रोवाइड कर रहा है, इन सबकी सेफ्टी, इन सबका वेलफेयर, इन सबको कंपनसेशन। तो ये तीन पर्पसेस को समझाने के लिए उन्होंने केस भी एक्सप्लेन किया। क्लैरिटी है? चल नेक्स्ट चलते हैं। हेडिंग बताओ क्या लिखा है? ये एक्ट किस पे लगेगा? बोल ऑफ द इंडिया, ठीक है। कब आया था? 1 अप्रैल 1949 से सब पे एप्लीकेबल है। चलिए अब यहाँ पे इन्होंने डिटेलिंग थोड़ी सी कर रखी, उस डिटेलिंग में थोड़ा सा आ जाओ पॉइंट वाइज समझेंगे, ठीक है। वर्कर की थ्रेशोल्ड लिमिट है, ये वर्कर की थ्रेशोल्ड लिमिट क्या होती है समझो, कहाँ पर ये फैक्ट्रीज एक्ट एप्लीकेबल है, कौन से एस्टेब्लिशमेंट में। इन्होंने कहा अगर फैक्ट्री में पावर यूज हो रहा है या फिर फैक्ट्री में पावर यूज नहीं हो रहा है। अब समझते हैं पावर, पावर मतलब मशीन्स, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, एनर्जी जो भी लग रही है। अगर मेरी कोई एक फैक्ट्री है जिसमें मशीन यूज हो रही है, दैट मीन्स पावर यूज हो रहा है, तो मशीन ज्यादा लगेंगे और वर्कर्स कम होंगे, यस और नो? तो इन्होंने कहा कि भाई अगर आपकी कंपनी में मशीन का यूज किया जा रहा है, तो अगर 10 वर्कर है, 10 या 10 से ज्यादा, तो आपकी फैक्ट्री को क्या फॉलो करना पड़ेगा? फैक्ट्रीज एक्ट। या फिर मेरी फैक्ट्री में मशीन नहीं है, तो मशीन नहीं है तो लोग ज्यादा काम करेंगे, तो विदाउट यूजिंग पावर तो वहां पे कितने लोग होने चाहिए? 20 या फिर 20 से ज्यादा। ये डेटा कब का देखा जाएगा? ये डेटा हमेशा देखा जाएगा प्रिसीडिंग 12 मंथ्स। वापस हम पढ़ रहे हैं फैक्ट्रीज एक्ट किस पे एप्लीकेबल है? फैक्ट्रीज एक्ट उन फैक्ट्रीज पे एप्लीकेबल है जहां पे लोग 10 या 10 से ज्यादा, 20 या 20 से ज्यादा लोग काम करते हैं। 10 कब? अगर आपकी कंपनी क्या यूज कर रही है? पावर। 20 कब? जब आपकी कंपनी यूज नहीं कर रही है पावर। मान लो मैं पावर यूज नहीं कर रही हूँ और मेरे इसमें भी 15 लोग हैं, क्या फैक्ट्रीज एक्ट मुझे फॉलो करना है क्या नहीं करना? क्लियर है? ये कब देखा जाएगा? इन्होंने कहा कि देखने का एक टाइम है, देखने का टाइम है ऑन एनी डे ऑफ द प्रिसीडिंग। प्रिसीडिंग मतलब पिछला, पुराना पुराना। आज अगर मैं कह रही हूँ कि भैया 20 लोग आ गए, हम कह रहे हैं कि भैया फैक्ट्रीज एक्ट लगेगा कि नहीं लगेगा, तो जब भी कभी पिछले 12 महीने में कभी भी अगर हमें दिखता है कि भैया आपकी फैक्ट्री में 20 लोग आए थे, तो यस आप पे ये फैक्ट्रीज एक्ट लगेगा। मान लो आगे चलकर ये 20 लोग की जगह 19 हो जाते हैं, 18 हो जाते हैं, एक तो चले जाते हैं, तब भी क्या इसे मैं कंटिन्यू फॉलो करूंगी? यस, तब भी मुझे इसे कंटिन्यू फॉलो करना पड़ेगा। क्लैरिटी है? मतलब कभी भी कोई भी एक दिन भी अगर आपकी कंपनी, आपकी फैक्ट्री में 20 लोग हो जाते हैं, तो आप पे फैक्ट्री एक्ट एप्लीकेबल है, आगे चलकर आपको उसको फॉलो करते रहना पड़ेगा। बाद में अगर कम हो जाता है तो ये मतलब नहीं है कि आप पे फैक्ट्री एक्ट नहीं लगेगा, कंटिन्यू लगता रहेगा, लेकिन उसका भी एक डेडलाइन होता है, टाइम होता है, ठीक है। नेक्स्ट सेटिंग क्या दे रखा है? एक्सक्लूजन। ऊपर हमने पढ़ा किस पे लगेगा, अब हम क्या पढ़े किस पे लगेगा नहीं, तो किस पे नहीं लगेगा? इन्होंने बोला भैया माइन का जो काम है उस पे नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि माइन एक्ट अलग है,
फैक्ट्रीज एक्ट किस किस पे लगेगा? उन्होंने कहा जो भी माइनिंग का काम कर रहा है उन्हें फैक्ट्रीज एक्ट फॉलो नहीं करना। क्यों नहीं करना, क्या रीजन है? खुद का अपना अलग से एक्ट है। ठीक है, चलिए। मोबाइल यूनिट्स बिलोंगिंग टू, क्या लिखा है? आर्म्ड फोर्स ऑफ द यूनियन। व्हाट डू यू मीन आर्म्ड फोर्स ऑफ द यूनियन? आर्मी की बात हो रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट की आर्मी होती है। भैया उन्होंने कहा भैया उनका खुद का लॉ होता है, उनका खुद के रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, तो उस पर फैक्ट्रीज एक्ट लगेगा नहीं। नेक्स्ट क्या लिखा है? रेलवे रनिंग शेड। अगर आपने नोटिस किया होगा इन सब के खुद के लॉज बने हुए हैं, ये अपना ही खुद का सिस्टम चलाते हैं। जब इनका खुद का सिस्टम है तो ये फैक्ट्रीज एक्ट फॉलो करेंगे नहीं। नेक्स्ट क्या लिखा है? होटल रेस्टोरेंट एंड ईटिंग प्लेसेस, इसमें भी ये नहीं लगेगा क्योंकि इनके खुद के लॉज है। तो इन शॉर्ट ये चार एरियाज इन्होंने जो बता के रखे हैं, चार पाँच एरियाज, इनके अपने खुद के लॉ है, सिस्टम से ये अपने स्पेसिफिक चीज़ों को फॉलो करेंगे, ना ही इन पर फैक्ट्रीज एक्ट लगेगा। क्लैरिटी है? ठीक है, बस मैंने आपको अच्छे प्रेजेंटेशन में बताया है, आप एक बार फटाफट अगर से रीड करेंगे तो देखो क्या लिखा है। फैक्ट्रीज एक्ट एप्लीकेबल टू ऑल फैक्ट्री यूजिंग पावर। यूजिंग पावर तो कितने लोग? 10 से 10 से ज्यादा। फिर क्या लिखा है? नॉट यूजिंग पावर तो कितना लिखा है? 20 से 20 से ज्यादा। ये कब देखेंगे? एनी डे, कोई भी दिन, ठीक है, ऑफ द प्रीसीडिंग 12 मंथ, बट डज नॉट इंक्लूड, ठीक है, माइन हो गया, देन मोबाइल यूनिट ऑफ बिलोंगिंग आर्म फोर्स यूनिट हो गया, रेलवे रनिंग शेड हो गया, और होटल रेस्टोरेंट ईटिंग प्लेसेस, सेम लिखा है, बस मैंने अच्छे बेटर प्रेजेंटेशन में बताया, दैट्स इट। क्लैरिटी है? चलिए नेक्स्ट क्या लिखा है। जो ये बेनिफिट्स है ये किसको अवेलेबल है? बेनिफिट्स जो पूरे एक्ट में दे रखा है फैक्ट्रीज को अवेलेबल है, बट डेफिनेशन ऑफ द वर्कर में कुछ लोग हैं जो एक्सक्लूड है, एनी मेंबर ऑफ द आर्म्ड फोर्स ऑफ यूनियन। आर्मी को नहीं मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा यहाँ का बेनिफिट? क्योंकि लग ही नहीं रहा है, उनका खुद का सिस्टम है। क्लैरिटी है? हेडिंग बताओ क्या लिखा है, ये एक्ट किस पे एप्लीकेबल है? पहले तो पूरी इंडिया पे एप्लीकेबल है, ठीक है, और वो फैक्ट्री जिसमें 10 या 10 से ज्यादा यूजिंग पावर, की नॉट यूजिंग, यूजिंग पावर, जब मैं कह रही हूँ नॉट यूजिंग पावर तो कितने लोग? 20, ठीक है, किन पे नहीं लगेगा? माइन, होटल रेस्टोरेंट प्लेस आर्म्ड फोर्स और रेलवे रनिंग शेड, ठीक है। अच्छा सेम आ जाइए, अब इस एक्ट की बात हो रही है, स्कीम ऑफ द एक्ट। एक्ट का थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दे रखा है, टोटल कितने इसमें सेक्शंस हैं? 120 सेक्शंस हैं, और कितने शेड्यूल है? 3 शेड्यूल। एक्ट के बारे में बताएं, जैसे हम कंपनीज एक्ट की बात करते हैं, बताओ कंपनीज एक्ट में टोटल कितने सेक्शंस हैं? 470। शेड्यूल याद है? पक्का? वेरी गुड, याद है। चलो तो फैक्ट्रीज एक्ट की बात करेंगे तो टोटल कितने सेक्शन है? 120। कितने शेड्यूल है? 3। इनका शेड्यूल 1, 2, 3। शेड्यूल 1 क्या बोलता है? लिस्ट ऑफ इंडस्ट्रीज जो किस नेचर के? हैजार्डियस। हाँ था, कौन से सब्जेक्ट बता? नहीं बता रही। शेड्यूल 1, 2, 3 वो दूसरा था, कि शेड्यूल 1 में था कि जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रोल है, फिर स्टेट का, वो अलग था, ये अलग था। शेड्यूल सेम है, अंदर की लिस्ट अलग है, ठीक है। चलो शेड्यूल 2 क्या लिखा है? इट्स अबाउट टू परमिसेबल, ठीक है, परमिशन की बात हो रही है, लेवल ऑफ द सर्टेन केमिकल सब्सटेंस वर्क एनवायरमेंट, मतलब कि कुछ केमिकल से रिलेटेड है ना, कुछ परमिशन वगैरह लेनी पड़ती है इन फैक्ट्रीज को, ठीक है। देन लिस्ट ऑफ क्या लिखा है? कुछ नोटिफाइड है, बता के रखा है कि भैया ये कुछ डिजीज है। देखो तो समझो, फैक्ट्रीज में ऐसे बहुत सारे काम होते हैं जिससे जो इंसान वहां पे काम कर रहा है ना, उसे डिजीज हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे सीमेंट, ठीक है, आज के टाइम पे आप सीमेंट देख रहे हो, ठीक है, लेंटर पड़ जाता है अच्छे से, लेकिन इससे पहले अभी भी आपने कुछ ऐसे घर देखे होंगे, कुछ ऐसे ऑफिसेज देखे होंगे गवर्नमेंट के जो लेंटर बेस्ड नहीं है, उनमें खपड़ेल होता है, खपड़ेल देखा है? खपड़ेल भी रेड कलर के आपने देखे होंगे। उससे भी पहले एक शीट होती थी, ऐसे ऐसे शीट, एक टीन की शीट होती थी, और एक टीन की शीट के अलावा एक ठोस मटेरियल सीमेंट होता था। वो अब आपको दिखता है क्या? वो बैन कर दिया गया है। क्यों बैन कर दिया गया? दीवार बनी रहती है और शेड में ऐसे 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 रहता है, ठीक है, कोई कोई टीन रखता है प्रॉपर टीन स्टील, लेकिन उससे पहले बहुत पुराना मटेरियल यूज होता था जो सीमेंटेड जैसा दिखता था, कुछ अजीब सा मटेरियल होता था। अगर इसकी मैन्युफैक्चरिंग हो रही होती है तो उससे एक डिजीज होता था, ये लोगों को पता नहीं चला। धीरे 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 लगा कि भाई इन्हीं फैक्ट्रीज में इसी टाइप का काम करने से, ये जो काम चल रहा है, ये जो मैन्युफैक्चरिंग चल रहा है भाई, इससे लोग बीमार होते जा रहे। धीरे धीरे पता चला कि भाई इससे तो भाई एक बीमारी हो रही है, जिस कारण से उसको पूरा बैन कर दिया गया। फिर उसके ऑल्टरनेट, उसका सब्सिट्यूट लेकर आए मार्केट में, ठीक है। तो इसलिए अब वो आपको दिखता ही नहीं है, पहले बनता था, अब बनता ही नहीं है।
तो क्यों बंद कर दिया गया? बिकॉज ऑफ डिजीज। ऐसे ही फॉर एग्जाम्पल मैं कॉटन की बात करूंगी, ठीक है। कॉटन का जब काम होता है तो उनमें स्पेशली इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं, अभी हम पढ़ेंगे लॉज में, ठीक है, कि बच्चे लोगों को और जो गर्ल्स है, विमेन्स है, उनको मना करके रखा है, क्योंकि वो ज़्यादा इफेक्ट हो रहे हैं। होता है क्या, बच्चा सॉफ्ट होती है स्किन की, अगर मैं बात करूँ स्किन की बात करूँ, सॉफ्टनेस की बात करूँ, तो जो मेल होते हैं वो स्किन उनकी थोड़ी सी हार्ड होती है, बच्चे हो गए देन गर्ल्स हो गई, उनकी स्किन थोड़ी सी सॉफ्ट होती है। तो कुछ ऐसे काम होता है, कुछ ऐसी वर्किंग होती है जिसके कारण से वो ज़्यादा इफेक्ट होते हैं। तो लॉ रूल्स रेगुलेशन जो साफ बोलते हैं भाई इस जगह पर इस टाइप का काम हो रहा है ना, तो ये लोग इसमें प्रोहिबिटेड है, अलाउड ही नहीं है, क्योंकि इन पे ये डिजीज ज़्यादा हो रहे हैं ना। तो यस ऐसा होता है। तो इन्होंने यहाँ पे एक पूरी लिस्ट दे रखी है कि भैया ऐसे कौन कौन से डिजीज है जो पूरे नोटिफाइड है, तो उसकी पूरी शेड्यूल 3 में आपको लिस्ट मिलेगी। तो इन शॉर्ट 3 है शेड्यूल। पहला शेड्यूल क्या है, हैजार्डियस इंडस्ट्रीज की पूरी लिस्ट है। दूसरे में क्या है कि भैया कुछ केमिकल सब्सटेंस वाले काम हो रहे हैं जिनकी पूरी लिस्ट दे रखी है। और तीसरा क्या दे रखा है बच्चा, कुछ नोटिफाइबल डिजीज की लिस्ट है। तो यहाँ पे बस लिस्ट गिवन है, ठीक। चलिए अब यहाँ से हमारा एक्ट चालू होता है, सेक्शन नंबर 2। सेक्शन नंबर 2 सबसे पहले डेफिनेशन देता है। उन्होंने कहा भाई एडल्ट, एडल्ट का मतलब क्या है, जिसने 18 साल कंप्लीट कर लिया है। देन एडोलसेंट की डेफिनेशन देखो क्या लिखा है। हमने इससे पहले जो एक्ट पढ़ा था चाइल्ड एंड एडोलसेंट एक्ट, वो क्या बोलता है भाई, 14 कंप्लीट लेकिन 18 कंप्लीट नहीं। ये क्या बोल रहा है, 15 कंप्लीट लेकिन 18 कंप्लीट नहीं। तो इन शॉर्ट ये याद रखना पड़ेगा, वहाँ 14 जगह 15 है। नेक्स्ट कैलेंडर ईयर तो नॉर्मली समझते हो 12 मंथ्स का होता है, जनवरी से स्टार्ट होता है। चाइल्ड क्या लिखा है, 15 से नीचे, वहाँ 14 से नीचे पड़ा था, डेटा है याद रखना पड़ेगा। क्या लिखा है, कॉम्पिटेंट पर्सन कौन होता है, तो इन्होंने यहाँ पे डेफिनेशन देकर समझाया। चलिए कॉम्पिटेंट पर्सन कौन होगा, कॉम्पिटेंट पर्सन या तो एक पर्सन हो सकता है या तो क्या हो सकता है, एक इंस्टीट्यूट हो सकता है। वापस व्हाट यू मीन बाय कॉम्पिटेंट पर्सन, कॉम्पिटेंट पर्सन से मतलब हमारा क्या है, या तो कोई पर्सन या तो कोई इंस्टीट्यूशन, ठीक है, जिसे रिकॉग्नाइज कर रखा है एज सच बाय द चीफ इंस्पेक्टर। वापस कॉम्पिटेंट पर्सन वो पर्सन है जिसको रिकॉग्निशन मिल रखी है बाय द चीफ इंस्पेक्टर से कि भाई तुम है वो कॉम्पिटेंट पर्सन। वो कौन हो सकता है, कोई भी पर्सन हो सकता है और कोई भी इंस्टीट्यूशन, कोई भी बॉडी हो सकती है, ठीक है। फॉर द पर्पस ऑफ क्या करने के लिए, टेस्ट करने के लिए या फिर एग्जामिन करने के लिए या फिर इंस्पेक्शन करने के लिए, रिक्वायर्ड टू बी डन इन द फैक्ट्री। समझो हम अभी आगे चलकर कुछ चीजें पढ़ेंगे कि भैया फैक्ट्री में आकर एक इंस्पेक्टर आएगा, इंस्पेक्टर मतलब पुलिस ऑफिसर वाले इंस्पेक्टर की बात नहीं हो रही है, ये इंस्पेक्शन ऑफिसर है, ये फैक्ट्रीज एक्ट में एक ऑफिसर है जिसे बोल दिया कि भैया तुम्हें हमने चीफ इंस्पेक्टर बनाया, मतलब तुम्हें फैक्ट्रीज में आके क्या करना है, इंस्पेक्शन करना है, देखना है कि फैक्ट्रीज एक्ट फॉलो हो रहा है कि नहीं। बात समझ में आ रही है। तो इन्होंने बोल दिया जो वो चीफ इंस्पेक्टर है उसने रिकॉग्निशन दे दी है कि भाई तुम जाओ, चीफ इंस्पेक्टर हर जगह तो पहुंच नहीं पाएगा, मैं चीफ इंस्पेक्टर, मैंने बोल दिया कि भैया आस्था तुम चले जाना, तो आस्था को मैंने क्या बना दिया, कॉम्पिटेंट पर्सन। तो कोई भी कॉम्पिटेंट पर्सन, कॉम्पिटेंट पर्सन मतलब कोई भी हो सकता है जो जाकर क्या करेगा, फैक्ट्रीज में आके टेस्ट करेगा, एग्जामिन करेगा, एग्जामिनेशन, और क्या करेगा, इंस्पेक्शन करेगा, रिक्वायर्ड टू बी डन इन दी फैक्ट्री। फैक्ट्री में किसी भी टाइप का एग्जामिनेशन होगा, कुछ भी होगा, वो कॉम्पिटेंट पर्सन जाएगा। कॉम्पिटेंट पर्सन वो है जिसे, जिसने किसने बोल रखा है, ऑथराइजेशन दे रखी है चीफ इंस्पेक्टर ने, क्लैरिटी है। चलो इसके पास क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होगा, ठीक है, जिस भी चीज का हमें चाहिए होगा, पर्सन एम्प्लॉयड इन द इंस्टीट्यूशन, फैसिलिटीज अवेलेबल देम। तो इन शॉर्ट उन्होंने बोला कि भाई उसके पास नॉलेज होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए, वो काम करना उसको आना चाहिए, ठीक है। क्योंकि कभी कभार हमें क्या करना होता है, पॉल्यूशन हो रहा है कि नहीं हो रहा, उसकी टेस्टिंग करनी होती है, तो आपको उस एरिया का नॉलेज होना चाहिए, ठीक है, कि भैया ये एयर पॉल्यूशन फैल रहा है या फिर वाटर पॉल्यूशन, तो वहाँ पे जाकर सैंपल लेना पड़ता है, फिर उसमें पूरा फॉरेंसिक वगैरह सब लगेगा उसमें, फिर दिमाग, ठीक है। चलिए मोर देन वन पर्सन, क्या एक से ज़्यादा कॉम्पिटेंट पर्सन को आप लेके जा सकते हो, हाँ यस कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, जैसी रिक्वायरमेंट होगी। अगर फैक्ट्रीज में हमें लग रहा है कि भैया दो लोगों को भेजना चाहिए, चार लोगों को भेजना चाहिए, तो चीफ इंस्पेक्टर उतने लोगों को भेज देगा रिक्वायरमेंट के हिसाब से, क्लैरिटी है। तो कॉम्पिटेंट पर्सन समझ में आ गया। नेक्स्ट लिखा है हैजार्डियस प्रोसेस, ठीक है, हैजार्डियस प्रोसेस मतलब क्या, ठीक है, यहाँ पे शॉर्ट में दे रखा है, आ जाओ पॉइंट वाइज बस समझ रहे। हैजार्डियस प्रोसेस मतलब वो सारी एक्टिविटी जो कहाँ दे रखी है, फर्स्ट शेड्यूल में। अभी हमने देखा था 3 शेड्यूल, पहले शेड्यूल में क्या था, हैजार्डियस
पूरी इंडस्ट्रीज की पूरी लिस्ट दे रखी थी, ठीक है। चलिए, हैजार्डियस क्यों बोल रखा है इन्होंने, क्योंकि इनमें इतना पोटेंशियल है कि वो लोगों को हार्म पहुंचा सकते हैं। व्हाट डू मीन बाय पोटेंशियल हैजार्डियस? हैजार्डियस इसीलिए क्योंकि पोटेंशियल है, किस चीज का पोटेंशियल है कि वो क्या कर सकते हैं, सिग्निफिकेंट हार्म। हार्म नहीं लिखा है, क्या लिखा है, सिग्निफिकेंट, मतलब अच्छा खासा हार्म दे सकते हैं। किसको? हेल्थ को, या फिर क्या कर सकते हैं, पॉल्यूशन फैला सकते हैं जनरल एनवायरनमेंट। हैजार्डियस प्रोसेस से हमारा मतलब क्या है? हैजार्डियस प्रोसेस मतलब कि वो प्रोसेस जिसमें इतना पोटेंशियल है कि वो क्या कर सकते हैं, सिग्निफिकेंट हार्म पहुंचा सकते हैं, या फिर क्या पहुंचा सकते हैं, पॉल्यूशन फैला सकते हैं, किसमें, जनरल एनवायरनमेंट में। अब ऊपर जब रीड करेंगे तो क्या लिखा है, हैजार्डियस बिकॉज अनलेस स्पेशल केयर इज टेकन। अगर आपने इसके लिए सावधानी नहीं बरती तो दिक्कत हो जाएगी। क्या दिक्कत हो जाएंगी? दो दिक्कतें हो जाएंगी, हार्म पहुंचेगा और पॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। बिना सावधानी बरते इसमें काम चलने वाला नहीं है। तो किसे हम बोलते हैं कि ये बहुत ज्यादा हैजार्डियस प्रोसेस है? उन सारी चीजों को हम हैजार्डियस प्रोसेस बोलते हैं जिसमें हमें सावधानी देनी पड़ेगी। अगर सावधानी नहीं दिया तो सिग्निफिकेंट हार्म हो सकता है और जनरल एनवायरमेंट को क्या हो सकता है बच्चा, पॉल्यूशन आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, कुछ रेगुलेटरी प्रोविजंस है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ द हैजार्डियस प्रोसेस इज इंपॉर्टेंट फॉर द रेगुलेटिंग इंडस्ट्रीज। रेगुलेटरी मतलब रूल्स रेगुलेशंस लगा के रखे कि आइडेंटिफाई किया जाता है कि कौन कौन सी इंडस्ट्रीज हैजार्डियस प्रोसेस में आ रही है और कौन कौन सी नहीं आ रही। वो भैया अब अथॉरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। स्टेट गवर्नमेंट हैज द अथॉरिटी। कौन है वो अथॉरिटी? स्टेट गवर्नमेंट, सेंटर नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट को अथॉरिटी दिया, भैया आप क्या करेंगे, मोडिफाई करेंगे फर्स्ट शेड्यूल बाय इशूइंग द ऑफिशियल नोटिफिकेशन। अब मुझे बताओ फर्स्ट शेड्यूल में क्या था? पूरी लिस्ट थी हैजार्डियस प्रोसेस की, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है। अगर इस लिस्ट में 20 आ रही है, 20 इंडस्ट्रीज आ रही है, अगर स्टेट गवर्नमेंट इंस्पेक्शन करती रहेगी समय समय पर, ठीक है, उसे लगता है कि भाई दो और इंडस्ट्री को एड ऑन करना चाहिए, तो उनके पास इतनी पावर है कि वो मॉडिफाई कर देगी शेड्यूल को, दो और को एड ऑन करेगी, ठीक है। तो वो समय समय पर इंस्पेक्शन कर करके ये बात पता लगाती रहेगी। बस मैंने आपको पॉइंट वाइज बता दिया, यही चीजें इसमें लिखी है, फटाफट एक बार रीड करके देखो। हैजार्डियस प्रोसेस क्या है? कोई भी प्रोसेस एक्टिविटी जो कहाँ स्पेसिफाई है, फर्स्ट शेड्यूल में, अनलेस स्पेशल केयर, ये समझ में आ रहा है? अगर स्पेशल केयर नहीं करोगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो वो सारी है जिसमें स्पेशल केयर की जरूरत पड़ती है, जैसे कि रॉ मटेरियल यूज। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल देके बताया ना कि फैक्ट्रीज में भाई कॉटन का अगर काम कर रहे हैं तो भाई स्पेशल केयर करने के बाद लड़कों को बोल रखा कि भैया लड़के फिर भी काम कर सकते हैं, लेकिन गर्ल्स और बच्चों को क्या बोल दिया, आपको तो काम करना अलाउड नहीं है, क्योंकि आपके लिए हम जितने भी प्रिकॉशंस ले रहे हैं तब भी आपके लिए हार्मफुल हो रहा है। तो उन्होंने ये बोल रखा है कि उनका जो फिनिश है, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है, बाय प्रोडक्ट है, वेस्ट है, जो भी एफ्लुएंट खराब जो वेस्ट निकलता है, इन सबसे क्या हो रहा है, आपको दिक्कत हो रही है। तो पॉल्यूशन हो रहा है जनरल एनवायरमेंट में और कॉज हो रहा है क्या, मटेरियल इंपेयरमेंट टू दी हेल्थ। इसको मैंने सिंपल लैंग्वेज में आपके लिए क्या बना कर दिया कि सिग्निफिकेंट हार्म पहुंच रहा है, ठीक है। प्रोवाइडेड दैट स्टेट गवर्नमेंट के पास क्या है, फर्स्ट शेड्यूल को बाय नोटिफिकेशन अमेंड करने की पावर है, वो कुछ भी उसमें क्या कर सकती है, एड कर सकती है, एड मतलब कुछ भी, एड ऑन 20 से 21 22 कर सकती है, ओमिशन मतलब कुछ भी हटा सकती है। उन्हें लगता है कि भाई अभी हैजार्डियस प्रोसेस नहीं है तो उसे हटा भी सकती है, वेरिएशन जो उसको ठीक लगेगा। क्लैरिटी है पक्का? नेक्स्ट क्या लिखा है, यंग पर्सन जहां कहीं भी बोलेंगे तो उनका मतलब क्या है, दोनों से है, छोटे बच्चे चाइल्ड से भी है और अडोलसेंट से भी। डे का मतलब 24 घंटे पूरे, वीक का मतलब बताने की जरूरत है क्या, 7 डेज, ठीक है। पावर मतलब क्या, हम बोले ना यूजिंग द पावर, तो उनका मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक एनर्जी यूज करना, मैकेनिकल चीजें यूज करना, नॉट जनरेटिंग बाय द ह्यूमन और एनिमल एजेंसी, मतलब कि इंसान यूज नहीं हो रहे, लिविंग चीज यूज नहीं हो रही है, ठीक है, मशीन यूज हो रहा है। प्राइम मूवर अगर आएगा दैट मीन्स उनका मतलब किससे, इंजन से, मोटर से और इसी के जैसा अदर अप्लाइंसेस से। ट्रांसमिशन मशीनरी अगर आता है तो ये पूरे एग्जाम्पल दे रखे उन्होंने कि भैया स्टफ हो गया, व्हील ट्रम्प हो गया, पुली हो गया, ये सब अच्छा टेक्निकल वर्ड्स है, ठीक। चलो फिर क्या बोल रखा है, मशीनरी से मतलब क्या है, प्राइम मूवर्स हो गया, ट्रांसमिशन मशीनरी कुछ नहीं, ये सब टेक्निकल टर्म्स है, इसमें ये समझना कि मशीनिंग मशीन के टूल्स की बस बात हो रही है, क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट आ जाओ, क्या लिखा है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। इन जनरल सेंस क्या समझते हो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस बताओ, कुछ भी बनाना, ठीक है। अब इन्होंने देखो एक एक वर्ड बताया, मेकिंग, ऑल्टरिंग, रिपेयरिंग, ऑर्नमेंटिंग मतलब ऑर्नामेंट जो होते दिखने में जो थोड़े अट्रैक्टिव होते हैं, है ना, तो उसको और सुंदर बनाना। देखो बेसिक काम तो करते हो, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल कार का एग्जांपल दूं तो कार क्या होता है बच्चा, इंजन विंजन होता है, लेकिन उसको थोड़ा लुक में भी तो अच्छा बनाया जाता है। अगर लुक में अच्छा नहीं होगा तो भाई वो कितनी खतरनाक दिखेगी। तो फाइनल जो टच होता है वो उसकी बात करें, ठीक है। फिनिशिंग करेंगे, पैकिंग करेंगे, ऑयलिंग करेंगे, वॉशिंग करेंगे, क्लीनिंग करेंगे, ब्रेकिंग करेंगे, बच्चा ये खुद ही पढ़ लेना। क्या लिखा है,
पंपिंग ऑयल वाटर, ठीक है, देन क्या लिखा है, जनरेटिंग ट्रांसफॉर्मिंग कंपोजिटिंग कंपोजिंग प्रिंटिंग प्रिंटिंग, ये सब इन्होंने ये बोला है। मैन्युफैक्चरिंग मतलब इट्स डिपेंड ना क्या बना रहे हो, जो चीज़ बना रहे हो उसमें जो भी काम आप कर रहे हो दैट वाज मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। चलिए प्रिजर्व करना या फिर स्टोर करना, अब यहाँ पे सारी चीज़ों को फटाफट पढ़ो, मुझे बताओ ऐसा कौन सा वर्ड है जो नहीं समझ में आ रहा है, फटाफट पढ़ो अभी। अब इन्होंने कहा कि भाई मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को ना ऐसे पढ़ पाना थोड़ा मुश्किल है, तो उन्होंने खुद से शॉर्ट कर रखा है, देखो सेम वही सारी चीज़ें लिखी है लेकिन शॉर्ट फॉर्म में, ताकि पहले एक बार पढ़ लो तुम लोग, इसलिए पहले नहीं बताया, ठीक है। चलो क्या लिखा है, एनी प्रोमाइसिस फैक्ट्री या फिर मैन्युफैक्चरिंग शुड बी, ठीक है, कंडक्टेड विद इन दी प्रोमाइसिस। इन्होंने कहा कोई भी मैन्युफैक्चरिंग का काम हो रहा है वो किस में होता है, फैक्ट्रीज में होता है। चलिए मैन्युफैक्चरिंग समझ में आया। नेक्स्ट क्या लिखा है, वर्कर, वर्कर से मतलब वो जो हमारी कंपनी में डायरेक्टली या थ्रू एजेंसी या फिर मैं ऐसे बोलूँ इनडायरेक्टली काम करता है, ठीक है, विद विदाउट नॉलेज, चाहे उसके पास दिमाग हो चाहे उसके पास दिमाग ना हो, काम तो वो करता ही है, ठीक है, ऑफ द प्रिंसिपल ऑफिसर, ठीक है, एम्प्लॉयर। बट नेगेटिव याद रखना, नेगेटिव याद रखना, कौन इंक्लूड नहीं होगा इसमें, ऊपर पढ़ा था अभी, आर्म फोर्स ऑफ द यूनियन, ये नेगेटिव लिस्ट है, ठीक। चलो फिर उन्होंने किसकी डेफिनेशन दे रखी है, फैक्ट्री, अभी हम डेफिनेशन ही पढ़ रहे। फैक्ट्री से उनका मतलब क्या है, फैक्ट्री से मतलब प्रोमाइसिस, और ये कुछ सुना सुना सा लग रहा है, आसपास का एरिया, ये कहाँ पढ़ा था अभी, जो इससे पहले वाली, पहला वाला जो टॉपिक पढ़ा था, ठीक है। सेम उन्होंने बोला भाई 10 या 10 से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं, कभी भी पिछले पिछले 12 महीने में कभी भी 10 या 10 से ज्यादा, तो आप पे क्या लगता है, फैक्ट्री एग्जैक्ट लगता है, विद द एड ऑफ द पावर, सेम लिखा है ऊपर जो पढ़ा था, विद द एड ऑफ द पावर विदाउट द एड ऑफ द पावर, जिसमें क्या लिखा है 20 से ज्यादा, सेम बातें लिखी है, एक्सक्लूड कर रहा है माइंड, क्या मैं ऐसे बोल दूं, ये रेलवे वेलवे ये सब जो पढ़ चुका है रिपीट है पूरा, पढ़ा है पक्का। चलिए एक्सप्लेनेशन इसी का दे रखा है, इन्होंने कहा कि भाई फिर से हम बताएंगे अच्छे प्रेजेंटेशन में, सेम बातें, क्या इंक्लूड होता है क्या इंक्लूड नहीं होता है, इंक्लूड रेलवे माइन मोबाइल ये सारी चीजें जो भी दे रखी है सब इंक्लूड नहीं होता है, फिर से उन्होंने कहा हम अच्छे प्रेजेंटेशन में बताएंगे, सेम बातें रिपीट, ठीक है। तो आप चाहो तो सीधा ये प्रेजेंटेशन देख सकते हो, ठीक है, आपकी मर्जी, सब रिपीट है, सीधा अपनाएंगे ऑक्यूपायर। जनरली ऑक्यूपायर कौन होता है, जिसके पास पूरा अल्टीमेट कंट्रोल होता है, यही होता है बच्चों, चीजें बहुत रिपीट मिलेंगी, ठीक है, क्योंकि एक एक्ट पढ़ चुके हो तो अब आपका थोड़ा सा जनरल सेंस अब थोड़ा सा स्पेसिफिक होता जा रहा है, ठीक है, पहले आपको जीरो नॉलेज था लेकिन अब नॉलेज बढ़ता जा रहा है, तो कुछ कंटेंट होगा जो आपको सेम सेम लगेगा। चले इन्होंने कहा कि भैया क्या है फैक्ट्री, क्या है फर्म के फॉर्म में है, कंपनी के फॉर्म में, या फिर वो फैक्ट्री है, इन्होंने कहा अगर फर्म है या फिर एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल है तो ऑक्यूपायर कौन है, कोई भी इंडिविजुअल हो सकता है, इंडिविजुअल पार्टनर हो सकता है, ठीक है, मेंबर हो सकता है, जो भी मेंबर वहां पे काम कर रहे हैं तो डीम टू बी ऑक्यूपायर। नेक्स्ट कंपनी में कौन होगा ऑक्यूपायर हमारे हिसाब से, डायरेक्टर। फैक्ट्री में कौन होगा, अगर वो कंट्रोल कौन कर रहा है, कंट्रोल क्या लिखा है, बाय दी सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर यानी स्टेट गवर्नमेंट या फिर कोई भी लोकल अथॉरिटी, तो भाई जो भी वहां पे मैनेज करने वाला होगा, सीजी ने किसी बंदे को तो अपॉइंट किया होगा ना कि भाई तू ये फैक्ट्री को मैनेज कर, तो वो बंदा हमारी नजरों में अभी क्या हो जाएगा, ऑक्यूपायर, क्योंकि वो इंचार्ज होगा। क्लैरिटी है, कौन हो तो ऑक्यूपायर, जनरल सेंस में बोलो तो ऑक्यूपायर वो जो फैक्ट्री को कंट्रोल करता है अल्टीमेट, फर्म है तो पार्टनर, ठीक है, कंपनी है तो डायरेक्टर, अगर वो एक फैक्ट्री है जो कंट्रोल बाई दी सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट या फिर लोकल अथॉरिटी, तो भैया उसने जिस बंदे को रखा है मैनेज करने के लिए वो हो जाएगा हमारे लिए अभी ऑक्यूपायर। इन्होंने कहा भैया आपका काम किस चीज का है, आप शिप की मैन्युफैक्चरिंग का काम करो, समझना क्या लिखा है, इनकेस इनकेस द शिप विच इज बींग, शिप अभी क्या हो रहा है रिपेयर, देखो शिप शिप की बात करूं तो अभी फैक्ट्री की बात हो रही है, मतलब मैं अपनी फैक्ट्री में क्या काम करवा रही हूँ, शिप को बना रही हूँ, ठीक है, शिप को क्या किया जा रहा है, रिपेयर किया जा रहा है, ध्यान देना, शिप को क्या किया जा रहा है रिपेयर, या फिर क्या किया जा रहा है ऑन विच मेंटेनेंस वर्क, शिप का मेंटेनेंस वगैरह होता है, ठीक है, बींग कैरीड आउट, ये क्या लिखा है, ड्राई डॉक, क्या होता है ड्राई डॉक, डॉक मतलब तो शिप ही होती है, अब समझना, जब वो पानी में है समुद्र में है तो भैया ये डॉक हो गया, ड्राई डॉक मतलब क्या, जो थोड़ा सा सूखा एरिया है, मतलब कि जमीन, शिप को थोड़ा सा जमीन में लेकर आया जाता है तभी रिपेयर होता है, तभी उसकी मेंटेनेंस होता है, पानी में तो भैया वो तो जाएगा ना अपने काम पर निकल जाएगा, तो वो थोड़ा सा एक पीस टाइम ले रहा है,
जैसे गाड़ी है, गाड़ी की सर्विसिंग ना, तो एक जगह पर जाके सर्विसिंग होती है, ऐसे ही शिप की क्या होती है, सर्विसिंग होती है किसी एक जगह पर। तो जिस जगह पर होती है उसे हम क्या बोलते हैं, ड्राई डॉक। एक दिन का काम तो है नहीं, शिप छोटी मोटी चीज तो है नहीं भाई, है ना, गाड़ी की तरह की भाई एक दिन में सर्विसिंग हो जाएगी, तो थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगता है। तो कुछ टाइम के लिए जब ये ड्राई डॉक में है, वापस शिप में रिपेयर का काम चल रहा है, शिप में मेंटेनेंस का काम चल रहा है, और ये अभी कहाँ पे रखा है, एक ड्राई डॉक में, मतलब एक सर्विस सेंटर में बोल दूँ अगर इसको नॉर्मल लैंग्वेज में। आप एग्जाम में सर्विस सेंटर वर्ड मत लिखना भैया, गलत हो जाएगा वो, उसके लिए टेक्निकल वर्ड क्या है, ड्राई डॉक। समझाने के लिए मैंने सर्विस सेंटर बोला। तो जो वो ड्राई डॉक में रखी गई है, तो उन्होंने बोल दिया भाई अवेलेबल फॉर दी हायर, कुछ टाइम के लिए रखा है, ठीक है, कुछ टाइम लगेगा, एक हफ्ता लगेगा, एक महीना लगेगा, जितना भी लगेगा मेंटेनेंस का काम वो उस पर लगता रहेगा। तो उस टाइम पर हम किसे ऑक्यूपायर बोलेंगे, तो उन्होंने बोला दी ओनर ऑफ द डॉक, डॉक का मालिक मतलब सर्विस सेंटर का जो मालिक है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है डीम टू बी दी ऑक्यूपायर। क्या ये बात समझ में आ रही है? उन्हें उन्होंने क्या बोल दिया, भैया आप रहोगे रिस्पॉन्सिबल। क्यों ऑक्यूपायर किसी को भी बना दे रहे हैं, शिप के मालिक को क्यों नहीं बना रहे? ऑक्यूपायर इसलिए बनाया जा रहा है, उसके पीछे लॉजिक ये कि हम रिस्पॉन्सिबिलिटी डिसाइड करना चाहते हैं। इस बीच अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है, मान लो शिप में रिपेयर करते करते किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, तो भैया किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो जो रिपेयर करने वाला है भाई, तब मालिक की थोड़ी ना गलती है, हमने तो भैया सर्विस सेंटर में दे रखा है काम करने के लिए, वहां पे कुछ हमारे शिप में काम करते करते दिक्कत होती है, तब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। अभी थोड़े टाइम के लिए हमने इसे सर्विस सेंटर में दे रखा है, सर्विस सेंटर तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो जो भी उस सर्विस सेंटर का मालिक होगा, उस डॉग का मालिक होगा, उसे क्या बोल दिया गया है कि भैया तू ऑक्यूपायर है, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने आपको इसलिए दी है कि इस बीच अगर कुछ दिक्कत जाती है तो तू रिस्पॉन्सिबल रहेगा कंपनसेशन देने के लिए। तुझे वो सेफ्टी मेजर्स रखने, तुझे वो हेल्थ हेल्थ और सेफ्टी जो भी वेलफेयर आपको देखना है, वो आपको उस उतने टाइम के लिए देखना है फॉर द शॉर्ट टाइम। जैसे वो शिप वापस आ जाती है तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी शिफ्ट हो जाएगी किसके ऊपर, जो वो मालिक है, जो वो शिप लेकर जा रहा है, अब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्लैरिटी है। चलिए, तो उन्होंने बोला ऑक्यूपाई फॉर द पर्पज ऑफ एनी मैटर प्रोवाइडेड बाई दी ड्राई डॉक। ठीक, कंटिन्यू। शिप का जो मालिक है, ओनर ऑफ दी शिप, या फिर उसका एजेंट, या फिर उसका मास्टर, या फिर ऑफिसर जो भी इंचार्ज है शिप का, एनी अदर पर्सन हु कॉन्ट्रैक्ट सच ओनर, जिसने ओनर के साथ, एजेंट के साथ, मास्टर के साथ जो भी कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है कैरी आउट दी रिपेयर मेंटेनेंस वर्क, इस सबको हम क्या मान देंगे, उन सबको हम क्या मान देंगे, ऑक्यूपाई। तो इन शॉर्ट इट्स डिपेंड हो क्या रहा है, अगर वो शिप कहीं जा रहा है तो भाई उसका मालिक, एजेंट, जो भी मास्टर है, जो भी कैप्टन होता है शिप को चलाने वाला, सबको हम मान लेंगे कि भैया आप सब क्या ऑक्यूपाई, क्योंकि आपने कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है ना उसको चलाने के लिए, तब हमेशा मालिक थोड़ी ना रिस्पॉन्सिबल रहेगा। फॉर एग्जाम्पल गाड़ी मेरी है, मैं गाड़ी का मालिक हूँ, मैं चला रहा हूँ, एक्सीडेंट हो जाएगा तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, भाई चला कोई और रहे तो अब रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी, मेरी होगी कि उसकी होगी, उसकी होगी। लेकिन हमेशा हम क्या बोलते हैं, हम हमेशा क्या बोलते हैं भाई, कि भाई हमारी गलती, क्योंकि गाड़ी तो हमारे नाम की है ना, क्योंकि प्रूफ करना मुश्किल हो जाता है इसीलिए। एक्चुअली में होता क्या है, होता क्या है, अगर गाड़ी मेरी है और चला कोई और आता है, एक्सीडेंट हो जाता है, तो क्योंकि वो भागने का ट्राई करेगा, वो झूठ बोलेगा मेरी गाड़ी नहीं, मैं नहीं चला रहा था, तो कौन फंसता हमेशा, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कौन है भैया, जो गाड़ी ओनर है वो फंसता है। तो उन्होंने कहा कि भैया हम रिस्पॉन्सिबिलिटी डिसाइड कर रहे हैं कि भाई उस टाइम पे तो गाड़ी चलाने वाली की गलती है ना, बस वो अपनी गलती मान ले। अगर वो बोले कि गाड़ी मैं चला रहा था, मुझसे एक्सीडेंट हो गया, तब क्या मैं फंसूंगी क्या, नहीं फंसूंगी, लेकिन हमें भरोसा है कि वो सच नहीं बोलेगा, वो तो मुझे फंसाना चाहेगा ना। ठीक है, तो सेम यहाँ पे भी उन्होंने ये बोला कि भाई ऑक्यूपायर के साथ अग्रीमेंट हो रखा है, तो फॉर द टाइम बिंग जब ये एक्सीडेंट हुआ तब कौन इंचार्ज था भाई, वो उसका मालिक, क्योंकि ओनर ऑल टाइम देख सकता है क्या, सेफ्टी मेजर्स वो कैसे देखेगा, तो रिस्पॉन्सिबल बंदा हो जाएगा। ऐसे ही कंपनी के केस में उन्होंने क्या बोल दिया, कौन ऑक्यूपायर कहलाएगा, डायरेक्टर, क्योंकि डायरेक्टर देख रहा है ना पूरे टाइम सारी चीजों को। तो जो इंसान वहां पर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा चीजों को मैनेज करने के लिए, वही हमेशा ऑक्यूपायर रहेगा। क्लैरिटी है? चले नेक्स्ट हेडिंग क्या लिखा है, ऑक्यूपायर को क्या मिल जाएगी, एग्जेम्पशन मिल जाएगी फ्रॉम दी लाइबिलिटी, मतलब वो बच जाएगा, क्या हो जाएगा, बच जाएगा। चलिए कैसे बचेगा समझते हैं। ये पूरा सेक्शन बोलता है ऑक्यूपायर को बचाया जा रहा है, लाइबिलिटी उसके सर पर नहीं आएगी। ठीक है, एग्जेम्प्टिंग दी ऑक्यूपायर, देखो ऑक्यूपायर भी लिखा है और बाजू में क्या लिखा है, मैनेजर भी। ऑक्यूपायर मालिक होता है जो अल्टीमेट कंट्रोल कर रहा है, या फिर कौन बोल सकते हैं, मैनेजर इंचार्ज है, तो भैया वो ऑक्यूपायर या फिर मैनेजर, इट्स डिपेंड जो भी सिचुएशन है रिस्पेक्टिवली। ठीक है, फ्रॉम दी लाइबिलिटी, अगर ऑक्यूपायर ब्रिंग दी अनदर पर्सन बिफोर दी कोर्ट, जो क्या था, एक्चुअल में ऑफेंडर था,
यही जो मैंने अभी कार वाला एग्जाम्पल तुम्हें बताया, क्या बताया, गाड़ी मैं नहीं चला रही थी, गाड़ी तो कोई और चला रहा था। अगर मैंने ये प्रूव कर दिया कि गाड़ी कोई और चला रहा था, तो यस लाइबिलिटी उसके सर पे आएगी, क्या मेरे सर पे आएगी, क्या नहीं, सेम मैं ऑक्यूपायर हूँ, लेकिन जो गलती है ये मैंने नहीं करी, ये गलती किसी और ने करी है, तो मुझे बस कोर्ट के सामने विथ प्रूफ, बस बोलने से काम नहीं चलता है, आपको सबूत भी देने पड़ते हैं। तो आपको अनदर पर्सन जो एक्चुअल में ऑफेंडर है उसको सामने लाना पड़ेगा, तब आप बचोगे, अदरवाइज आप बचने वाले नहीं हो। तो क्या ऑक्यूपायर बच सकता है? हाँ, अगर वो दूसरे पर्सन को लेकर आ जाए विथ प्रूफ। कंडीशंस, उन्होंने कहा भाई दो कंडीशन है, पहली कंडीशन आपने जो अपना काम किया है वो ड्यू डिलीजेंस के साथ किया है, वो ड्यू डिलीजेंस मतलब क्या होता है, पूरी सावधानी से काम किया है। दूसरा, आपको पता ही नहीं था आपकी पीठ पीछे ये लोग गलत काम कर रहे थे, जब आप जाते थे तो सारे काम सही रहते थे, आप चले जाते थे तो ये लोग गड़बड़ कर दे ये, लेकिन ये सारी भी चीजें क्या करनी पड़ेगी, प्रूफ आपको प्रूफ देना पड़ेगा, मैंने सारी फॉर्मेलिटीज फॉलो कर रखी है, मुझे जो इन्होंने गलत काम किया है इसका बिल्कुल भी नॉलेज नहीं था, मुझसे छुपाया गया है जानबूझकर, ये प्रूफ आपको देना पड़ेगा। अगर आपकी, देखो दो टाइप की चीजें, आपकी नेग्लिजेंसी हुई है, नेग्लिजेंसी मतलब लापरवाही, आप पता लगा सकते थे कि भाई इन्होंने जो छुपाया है आसानी से पता लगा सकते, सामने तो आपके सामने रजिस्टर रखा था, इंसिडेंट होते हैं ऐसे कि भाई रजिस्टर खोल के आपने देखा क्यों नहीं, आप कहोगे आपको भरोसा था, नहीं ऐसा नहीं चलता, रजिस्टर कभी इन्होंने मुझे दिया ही नहीं, मैंने 10 बार मांगा, बात समझ में आ रही है, मैंने 10 बार रजिस्टर मांगा इन्होंने नहीं दिया, मतलब मेरे नॉलेज में नहीं है, क्यों, क्योंकि उन्होंने मुझे कभी बताया ही नहीं, और मैंने पता लगाने का ट्राई भी किया लेकिन रजिस्टर हमेशा मेरे सामने रखा रहता था, मैंने कभी खोल के नहीं देखा क्योंकि मुझे भरोसा था। तो एक नेग्लिजेंसी है और एक है विदाउट नॉलेज, या फिर मुझे गलत रजिस्टर बना के दे दिया उन्होंने, मैंने पता लगाया इन्होंने मुझे गलत रजिस्टर बना के दे दिया, तो गलती किस में मानी जाएगी मेरी, कि रजिस्टर हमेशा से सामने रखा था मैंने नहीं खोला, मैं तो रजिस्टर मांगा गलत रजिस्टर इन्होंने बना के दिया, तब मेरी गलती नहीं है। तो आपको ये प्रूफ देने पड़ेंगे कि भाई मेरे नॉलेज में नहीं है, क्योंकि मेरी नजर में तो सब सही था, ये गलत कहाँ से हो गया, ये दूसरा रजिस्टर कहाँ से है, तो फिर आप मेरी गलती नहीं, ये सारे प्रूफ्स आपको देने पड़ते हैं। तो कब कब किसी और की गलती मानी जाएगी, तब किसी और बंदे को लेके आओगे और ये भी बताओगे कि आपने अपनी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करी है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, आपने पूरे ड्यू डिलीजेंस किए हैं और क्या किया है, आपकी नॉलेज में नहीं था, आपने कुछ काम के लिए आपसे पूछा गया था और आपने ना बोला था, इन्होंने मेरे सामने तो ना बोल दिया कि ठीक है नहीं करेंगे, और जब मैं चली जाती हूँ तो मेरे पीठ पीछे उन्होंने वो काम कर लिया, मेरे पास प्रूफ है, देखो मेरे पास रिकॉर्डिंग है, मैंने ना बोला था, तो मेरी कंसर्न नहीं था, मेरी नॉलेज में नहीं था, ठीक है। तो हर चीज से आपको ये प्रूफ देना पड़ेगा। चलिए, कोर्ट भी सेटिस्फाइड हो जाए इन दोनों बातों से, ए और बी, जो ए भी अभी मैंने आपसे करी, ठीक है, अनदर पर्सन को फिर कोर्ट पनिशमेंट देगा। फिर क्या लिखा है, जो ऑक्यूपायर है या फिर मैनेजर है, ऑक्यूपायर कौन, मैं, मेन, मैं फ्री हो जाऊंगी और लाइबिलिटी किसके सर पे आ जाएगी, अनदर पर्सन जिसको मैंने प्रेजेंट किया था। एक्सेप्शन टू स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी, अब तुम लोग को टॉट वाला चैप्टर याद आना चाहिए, स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी गलती है, ठीक है, इन्होंने बोला इसका क्या है, ये क्या है, ये एक्सेप्शन है, मतलब मेरे सर पे लाइबिलिटी नहीं आएगी, स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का एक्सेप्शन। स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी क्या बोलती है, भाई मेरी गलती मानी चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन ये बोले नहीं एक्सेप्शन में कवर हो जाओगे, आप बच जाओगे, तो मेरे सर पे आएगी नहीं। बस ध्यान देना, मैंने अपनी तरफ से पूरे कंप्लाइंसेस किए होने चाहिए, बेनिफिट ऑफ दिस एग्जेम्पशन मुझे तभी मिलेंगे जब मैंने सारी कंडीशन जो भी ऊपर बताया कि प्रूव कर दिया, तब जाके आपको ये बेनिफिट्स मिलेंगे, अदरवाइज आपको ये बेनिफिट्स मिलने वाले नहीं है। बस ये चीज मैंने आपको अच्छे प्रेजेंटेशन में पढ़ाया है, अभी के अभी रीड करेंगे, जल्दी रीड करो और मुझे बताओ कुछ ऐसा जो नहीं समझ में आ रहा है, करो, समझ में आया, नेक्स्ट हेडिंग क्या लिखा है, चिल्लर हेडिंग है, फैक्ट्रीज में बहुत सारे लोग काम करते हैं, बोल दो, हाँ सबकी एक शिफ्ट होती है, ठीक है, शिफ्ट जैसे बोल दिया कि भैया 9 से आपको कितने बजे तक करना पड़ेगा, 6 बजे तक करना पड़ेगा, फिर 6 बजे दूसरे लोग आएंगे, फिर रात के 3-4 बजे तक, है ना, फिर दूसरी शिफ्ट, तो ऐसे 3-4 शिफ्टें होती रहती है। इन्होंने कहा भाई ग्रुप से मतलब कुछ सेट ऑफ लोग, और रिले मतलब भी सेम ही होता है, ग्रुप ही होता है, रिले मतलब भी क्या होता है, ग्रुप ही होता है, और शिफ्ट मतलब क्या, वो जो टाइम पर एक ड्यूरेशन में जो आप शिफ्ट होता है वो पूरा पूरा ग्रुप किसी एक टाइम पर जाएगा। इतनी सिंपल बात इन्होंने क्यों बताई है पता नहीं, वर्कर ऑफ द सेम काइंड, ठीक है, कैरीड आउट बाय टू और मोर सेट ऑफ वर्कर्स, सेट बना के रखा है उन्होंने वर्कर्स का, ड्यूरिंग द डिफरेंट पीरियड ऑफ डे, ईच सच सेट, उस सेट को हम ग्रुप बोलते हैं, और उस पीरियड को, ड्यूरेशन को हम क्या बोलते हैं भैया, शिफ्ट टाइम की, क्लियर है, कुछ भी अनोखी बात नहीं बोली उन्होंने, इधर आ जाओ,
तीन शिफ्ट लगती है। हाँ मतलब फैक्ट्री में तो 15 लोग काम करते हैं ना, है ना। ठीक है चलो, हेडिंग क्या लिखा है, हेडिंग क्या लिखा है, स्टेटरी एजेंसीज एंड देयर पावर। इस पूरे फैक्ट्रीज एक्ट की बात करूंगी तो अथॉरिटी बताओ जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसकी, सेंट्रल गवर्नमेंट की स्टेट की, स्टेट गवर्नमेंट। फैक्ट्रीज एक्ट में किसकी चल रही है, स्टेट गवर्नमेंट को दे रखा है। क्यों स्टेट गवर्नमेंट, क्योंकि भैया वो ज्यादा अच्छे से फैक्ट्रीज को इंस्पेक्ट कर पाएगी। ठीक है चलो, तो स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्टेट गवर्नमेंट अज्यूम दी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी। स्टेट गवर्नमेंट मेन होता है जो इसे चेक करेगा, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन देखेगा और वेरियस प्रोविजन को लेकर सारे पावर स्टेट गवर्नमेंट के। सबसे पहला पॉइंट मुझे बताओ क्या लिखा है, रेफरेंस ऑफ टाइम ऑफ डे। अब देखो थोड़ा सा उन्होंने साइंस बताया है, ठीक है मत डरना बिल्कुल भी, आ जाओ। ये क्या लिखा है, ग्रीन विच, एक जगह का नाम है लंदन में, ठीक है लंदन में एक जगह का नाम है ग्रीनविच। ठीक, अब थोड़ा सा एक डायग्राम दिखाती हूँ, ये वर्ल्ड का मैप देखा ही होगा, कहाँ है इंग्लैंड, यही है। और ये इंडिया दिख रहा है, ये है ना। अब इंडिया का साइज देख लो, इंग्लैंड का साइज देख लो, ये जो इतना छोटा सा है ना, ये नहीं दिख रहा क्या। हाँ एक्चुअली में इंग्लैंड इतना छोटा सा, ब्रिटिशर्स की बात करो ना, इंग्लैंड ब्रिटिशर्स ना अंग्रेज, इतना छोटा सा और कहाँ कहाँ राज करके बैठा था। बस इंडिया में क्या था, क्या दिमाग, 150 देशों में जस्ट बिकॉज ऑफ दिमाग। ठीक है बस उनकी तारीफ कर दी मैंने, अब आ जाओ यहाँ पर। ठीक है तो ग्रीनविच कहाँ है, ग्रीनविच कहाँ है, लंदन में है, लंदन कहाँ है, इंग्लैंड में। अब देखो ये पूरा जो मैप है, ये जो पूरा मैप है इसको डिवाइड कर रखा है ऐसे दो पार्ट में, ये गुजरते हुए जा रहा है कहाँ से, इंग्लैंड को क्रॉस कर रहा है, कहाँ क्रॉस कर रहा है, इंग्लैंड को। तो इंग्लैंड को जहाँ पे ये क्रॉस कर रहा है, ठीक है वहाँ एक्चुअल में क्या होता है बच्चा, हमें ना टाइम कैलकुलेट करना है। आपको ये मालूम है ना कि हमारी इंडिया का टाइम कुछ और चलता है, सऊदी में कुछ और चल रहा है, अमेरिका में कुछ और चल रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है मुझे बताओ। सन है ना, अब हमारा जो अर्थ है ऐसा रोटेट हो रहा है तो टाइम का ना थोड़ा सा ना हाँ चेंजेस होती है। ठीक है तो अब सीन ऐसा है, ध्यान दो, तो सीन ऐसा है कि एक फिक्स टाइम हमें तो चाहिए ना जो सबको यूनिफॉर्म रखे, नहीं तो हम क्या बोलेंगे भाई, हमारे टाइम के हिसाब, हमारा टाइम तो ये चल रहा है हम यही फॉलो करेंगे, लेकिन अब हम इधर से उधर ट्रैवल भी तो करते हैं, इधर से उधर बिजनेस भी तो करते हैं, तो दिक्कत आ जाएगी ना। तो एक एक्चुअल टाइम होता है, एक एक्चुअल टाइम होता है जो हमें कैलकुलेट करना होता है। तो एक्चुअल टाइम कैलकुलेट किया गया है एक जगह पर, वो जगह कौन सी है, वो है ग्रीनविच जो लंदन में है, वहां पे ये एक्चुअल टाइम कैलकुलेट किया गया है। तो व्हाट डू मीन बाय ग्रीनविच मीन टाइम, ये ग्रीनविच जगह का नाम है और क्या लिखा है, मीन टाइम, मीन मतलब एवरेज, एक एवरेज टाइम कैलकुलेट किया गया है जो सबको यूनिफॉर्म रखेगा, एक फिक्स टाइम चलेगा। और इस हिसाब से हम बोलेंगे भैया तुम 2 घंटा आ गए हो, तुम 4 घंटा आ गए, क्योंकि कोई क्यों ऐसा बोलता है भाई ये 2 घंटा आ गए, किससे हम कंपेयर करते हैं, ग्रीनविच मीन टाइम से हम करते हैं। तो एक स्टैंडर्ड टाइम है, सिंपल भाषा में बोलो तो एक स्टैंडर्ड टाइम, ठीक है, इज अ मीन सोलर टाइम जो रॉयल, किसने, ऑब्जर्वेटरी लोकेटेड इन ग्रीनविच। तो रॉयल जो ऑब्जर्वेटरी है उन्होंने ये ऑब्जर्व किया है कहाँ पर, ग्रीनविच में बैठकर किया है, क्योंकि वहीं पे जीरो है ना लॉन्गिट्यूड, ऐसे पूरे टेक्निकल वर्ड्स है, ठीक है लॉन्गिट्यूड 0 डिग्री का आता है, तो वहां पे जाके उन्होंने किया, क्योंकि बाकी सब में ऊपर नीचे है, तो क्योंकि ऊपर नीचे इस कारण से हम एग्जैक्ट मीन टाइम कैलकुलेट नहीं कर पाते, एक स्टैंडर्ड टाइम। तो इट सर्व रेफरेंस, तो हम उसे रेफरेंस लेते हैं कि टाइम रेफरेंस लेते हैं फॉर द वेरियस पर्पज, जैसे कि हम क्या करते हैं टाइम कीपिंग, टाइम का रिकॉर्ड रखने के लिए। और क्या लिखा है, अब एस्ट्रोनॉलॉजी देखते रहते हो है ना, भविष्यवाणी करते रहते हो, तो जो भविष्यवाणी जो टाइम होती है वो इस टाइम को ध्यान में रखकर बोला जाता है, ठीक है। और जो भी नेविगेशंस वगैरह होते हैं वो भी इस टाइम को फोकस, क्योंकि एक स्टैंडर्ड टाइम तो लेना पड़ेगा ना, क्योंकि अगर हम नेविगेशन भी करें या कुछ भी कर रहे हैं तो होगा क्या कि सब इधर से उधर होता जाएगा, भाई वहां कुछ और टाइम चल रहा है तो सब पजल हो जाएंगे। तो गूगल मैप की भी अगर मैं बात करूं तो अगर वो नेविगेट कर रहा है तो भैया वो एक स्टैंडर्ड टाइम लेता है, वो स्टैंडर्ड टाइम ये वाला रहता है। तो ये मैंने आपको जस्ट फॉर जनरल नॉलेज बताया है, ये बस जनरल नॉलेज मैंने बताया है, बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना अगर नहीं समझ में आता है। क्यों बताया है, आ जाओ फैक्ट्रीज एक्ट पढ़ रहे हैं, फैक्ट्रीज एक्ट में भी लेबर
वर्कर्स आकर काम करेंगे फैक्ट्रीज में, उनका एक स्टैंडर्ड टाइम होता है कि भाई आपको 8 घंटे काम करना है, आपको 9 घंटे काम करना है, आपको 6 घंटे काम करना है। तो भाई हमें एक स्टैंडर्ड टाइम डिसाइड करना है। तो साफ साफ बोल रखा है यहाँ पर कि रेफरेंस टू टाइम ऑफ डे। अथॉरिटी कौन है यहाँ पर फैक्ट्रीज एक्ट में, मेन अथॉरिटी कौन है रिस्पॉन्सिबल, स्टेट गवर्नमेंट। तो स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है, स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो रूल्स बना सकती है किस चीज को लेकर, टाइम को लेकर। अब इन्होंने बोल दिया एक इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, हमारे एक इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है। वो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम क्या है बच्चा, ये बेस्ड है किसमें, ग्रीनविच मीन टाइम है। हमारा जो स्टैंडर्ड टाइम है वो क्या है, अहेड है, मतलब आगे है, कितने 5.5 घंटे, मतलब 5 लिखे ना 5 लिखे ना, ठीक है। तो वो क्या लिखा है, 5.5 लिखा है, दैट मींस हम 5.5 घंटे क्या है उस मीन टाइम से थोड़ा सा आगे। क्या ये बात समझ में आए? तो वो मैंने जनरल नॉलेज के लिए ये सारी चीजें बताई है, तो वो समझ में आए, उससे बस कंपेयर करके बताया, अदरवाइज इतना कुछ देने की जरूरत नहीं थी। अब आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगा। तो सीजी सीजी बोलो, स्टेट गवर्नमेंट को क्या बोल रखा है, भैया तुम्हारे पास पूरा है पावर, किस चीज का पावर है, तुम्हें टाइम डिसाइड करना है, और टाइम जब डिसाइड करोगे तो प्लीज जो ग्रीनविच मीन टाइम है उसको स्टैंडर्ड मानना, और हम उससे इतने घंटे आ गए। तो अब आपको जैसा ठीक लगे इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से आप वैसा टाइम डिसाइड कर लो, आपके पास फुल पावर है, दैट्स इट। बाकी कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्लैरिटी है। नेक्स्ट हेडिंग क्या दे रहा है, स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है, किस चीज की पावर है, डिफरेंट डिपार्टमेंट को क्या कर दे, अलग अलग फैक्ट्रीज में कन्वर्ट कर दे, या फिर क्या कर दे, दो या दो से ज्यादा फैक्ट्रीज को क्या बोल दे, सिंगल। सेंटर सॉरी स्टेट गवर्नमेंट को जब भी लगेगा, स्टेट गवर्नमेंट को खुद से लगेगा, मेड्स ओन खुद से अगर लगेगा, या फिर किसी की एप्लीकेशन आएगा, उसे लगेगा कि भैया पब्लिक इंटरेस्ट के लिए अच्छी बात है कि अलग अलग डिपार्टमेंट को अलग अलग फैक्ट्रीज बना दो, या बहुत सारी फैक्ट्रीज को इकट्ठा कर कर एक बना दो, तो यस उसे जैसा ठीक लगेगा वो ऐसे एक्शन भी ले सकती है। हम अभी स्टेट गवर्नमेंट की पावर पढ़ रहे हैं। पहली पावर टाइम का रेफरेंस, वो ओपन है। दूसरी पावर इकट्ठा भी कर सकती है और डिफरेंट भी कर सकती है डिपार्टमेंट्स को, ठीक है। पावर है, किस चीज की पावर है, पब्लिक इमरजेंसी में वो क्या कर देगी, एग्जेम्पशन दे देगी। अभी हम एक एक्ट पढ़ रहे हैं, दैट वाज फैक्ट्रीज एक्ट। फैक्ट्रीज एक्ट में जो भी रूल्स रेगुलेशंस लगते हैं उनसे उनको छूट भी मिल सकती है। पब्लिक इमरजेंसी में स्टेट गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के थ्रू ऑफिशियल गैजेट में छूट दे देगी फैक्ट्रीज को, क्लास डिस्क्रिप्शन को, ठीक है। लेकिन उन्होंने बोल दिया भैया इनको मत देना, एक्सेप्ट सेक्शन फैक्ट्रीज एक्ट का जो सेक्शन 67 है, सच पीरियड उसे मत देना, सब्जेक्ट टू सच कंडीशन में भी मे थिंक फिट, ठीक है। इसे छोड़कर इन्होंने कहा कि भाई जो भी नोटिफिकेशन है जिसमें आप छूट दे रहे हो, तो वो छूट का टाइम एक है, कभी भी क्या ना हो, नॉट एक्सीडिंग 3 मंथ्स। वापस थर्ड पॉइंट क्या बोलता है, स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो फैक्ट्रीज एक्ट में से कोई भी है ना किसी भी चीज में छूट दे सकती है, लेकिन प्लीज 67 को छोड़कर। और जब भी छूट दी जाती है ऑफिशियल गैजेट में, तो वो जो छूट होगी वो कितने से ज्यादा नहीं होगी, 3 महीने से ज्यादा नहीं होगी। क्लियर है एक्सप्लेनेशन, पब्लिक इमरजेंसी का मीनिंग बताया। नेक्स्ट क्या लिखा है, पावर है स्टेट गवर्नमेंट के पास किस चीज की, टू मेक रूल्स, किसको लेकर, अप्रूवल। फैक्ट्रीज को लेकर अप्रूवल लेना पड़ता है, लाइसेंस लेना पड़ता है, रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। तो जब भी कोई भी अप्रूवल के लिए आएगा, लाइसेंस के लिए आएगा, रजिस्ट्रेशन के लिए आएगा, तो सेंटर सॉरी स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो उनके लिए क्या बना सकती है, रूल्स एंड रेगुलेशंस। अब कुछ यहाँ पे उन्होंने डिटेलिंग दे रखी है, रूल से मतलब क्या है, वो आपसे मांगेगी कुछ प्लान्स, कुछ एक्स्ट्रा चीजें मांगेगी, एनी क्लास डिस्क्रिप्शन फैक्ट्रीज टू दी चीफ इंस्पेक्टर या फिर स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट या तो खुद, या तो स्टेट गवर्नमेंट किसको आगे कर देती है, चीफ इंस्पेक्टर को। चीफ इंस्पेक्टर किसको आगे कर देता है, कॉम्पिटेंट पर्सन को, जब भी जिस हिसाब से रिक्वायरमेंट होगी। तो इन्होंने कहा कि भाई इसको लेकर हम क्या बना सकते हैं, रूल्स बना सकते हैं। प्रीवियस स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो आपको ये भी बोल सकते कि पहले आपको प्रीवियस परमिशन जो भी आपने ले रखी थी वो सब हमें दिखाओ रिटर्न में। आपसे मांगा जा सकता है कंसिडर एप्लीकेशन परमिशन सबमिशन प्लान, वो आपसे कुछ स्पेसिफिक चीजें मांगेगी, देना पड़ेगा। आपसे नेचर पूछा जाएगा, बताना पड़ेगा। रिक्वायरिंग बोला जाएगा रजिस्ट्रेशन लाइसेंस दो। आप हम पढ़ के आ रहे हैं, मुझे बताओ, स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है इन सारे टॉपिक में, वो अपने खुद के रूल्स बना सकते हैं, दैट्स इट, ठीक है। रिक्वायरिंग नो लाइसेंस शुड बी ग्रांटेड या फिर रिन्यू अनलेस नोटिस स्पेसिफाइड, अगर नोटिस में जो लिखा है वो सारी बातें आपको माननी पड़ेगी। तो इन शॉर्ट ये सारे वो टॉपिक है जिसमें स्टेट गवर्नमेंट क्या बना सकती है, रूल्स। नीचे एक हेडिंग दे रखी है जो रिलेटेड है, डबल ए वाला जो ऊपर पॉइंट पड़ा उससे, क्या लिखा है, डीम्ड अप्रूवल। कुछ इन्फॉर्मेशन हमसे मांगी गई, सीजी को हमने अप्रूवल के लिए बोला, ठीक है, हमने अप्रूवल दिया, रिप्लाई आना चाहिए ना सीजी का। अगर सीजी का रिप्लाई नहीं आता तो मान लिया जाएगा कि उन्होंने हमें अप्रूवल दे दी है, तो यही लिखा है। एप्लीकेशन हमने दी है, नो ऑर्डर कम्युनिकेशन, रिप्लाई नहीं आता, कब तक के लिए,
3 महीने तक में अगर अप्लाई नहीं आता है तो मान लिया जाएगा कि हमें अप्रूवल मिल गई, दैट वॉज डीम्ड अप्रूवल, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट ने हमें मना कर दिया, किस चीज से मना कर दिया, फैक्ट्री लगाने से, ना हमें अप्रूवल दिया ना हमें लाइसेंस दिया, शिकायत करने जाना है, कहाँ जाएंगे, स्टेट गवर्नमेंट के पास, सॉरी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। स्टेट गवर्नमेंट ने लाइसेंस नहीं दिया, परमिशन नहीं दिया, शिकायत करने कहाँ जाओगे, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, ठीक है। तो मना किसने किया, या तो मना करने वाला हमारा स्टेट गवर्नमेंट है, या तो स्टेट गवर्नमेंट ने ये काम किससे करवाया, चीफ इंस्पेक्टर से करवाया, रिफ्यूज कर दिया परमिशन देने से, 30 डेज के अंदर आप जाके शिकायत करेंगे सीजी के पास, दैट्स इट, क्लैरिटी है। वापस आएंगे, क्या पढ़ रहे थे, हेडिंग बताओ, स्टेटरी एजेंसीज एंड देयर पावर। वो स्टेटरी एजेंसी से मतलब कौन, क्या है, किससे है, स्टेट गवर्नमेंट से। स्टेट गवर्नमेंट के पास सबसे पहली पावर कौन सी पावर है, टाइम डिसाइड करने की पावर है। दूसरा क्या, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को सेपरेट फैक्ट्रीज, बहुत सारी फैक्ट्रीज को सिंगल फैक्ट्री में कन्वर्ट करने की पावर। तीसरी पावर, पब्लिक इमरजेंसी में क्या करेगी, छूट दे सकती है रूल्स रेगुलेशन से। फोर्थ पॉइंट क्या बोलता है, इन सारे टॉपिक में रूल्स बना सकता है। टॉपिक से मतलब क्या है, अप्रूवल, लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन। अगर 30 डे, सॉरी 3 महीने में रिप्लाई नहीं आता है तो मान लिया जाएगा कि आपको अप्रूवल मिल गई है। अगर उन्होंने मना कर दिया है तो फिर आप शिकायत करने के लिए 30 दिन के अंदर जा सकते हो सीजी के पास, क्लियर है। उन्होंने कहा भाई स्टेट गवर्नमेंट के पास ना ये भी पावर है, क्या लिखा है, इंस्पेक्टिंग स्टाफ, इंस्पेक्शन की जो पूरी टीम होगी उसे अपॉइंट करने का पावर है। नेक्स्ट क्या लिखा है, सर्टिफाइंग, क्या लिखा है, सर्जन। सर्जन मतलब वो वाले सर्जन नहीं, चीफ आर्ट करने वाले मेडिकल वाले सर्जन नहीं, इनका सर्जन से यहाँ पे मतलब क्या, फैक्ट्री में जाना है, सैंपल्स लेना है कि कहीं कुछ इंस्पेक्शन करते वक्त हमें कुछ इधर उधर दिख रहा है, डिजीज हो रहे हैं, वो वाले सर्जन की बात हो रही है। क्या लिखा है, सर्टिफाइंग सर्जन, मतलब कि आपको, आप सर्टिफिकेट होल्डर हो, आप इंस्पेक्शन कर सकते हो, वो सारे सैंपल्स ला सकते हो, टेस्टिंग कर सकते हो, एग्जामिनेशन कर सकते हो, इसलिए उन्होंने सर्जन बोला। और क्या लिखा है, वेलफेयर ऑफिसर, क्या लिखा है, सेफ्टी ऑफिसर, वेलफेयर सेफ्टी ऑफिसर, समझ पा रहे हो, सेफ्टी मतलब काम करते वक्त सेफ्टी मेजर्स है कि नहीं, काम करते वक्त फॉर एग्जाम्पल ये मशीन है, मशीन के आजू बाजू फेंसिंग है कि नहीं, कि कोई भी भैया घुस गया, ठीक। या फिर जब हम फैक्ट्री में काम कर रहे हैं तो जो मशीन है, मशीनों को कवर किया है कि नहीं किया, जब तक, जब यूज हो रही तो ठीक है, जब यूज नहीं हो रही है तो वो कवर्ड होनी चाहिए, क्यों, क्योंकि कुछ ऐसे नुकीली चीजें हो सकती है ना जो टच होने से लग सकता है, या फिर फॉर एग्जाम्पल कभी भी इलेक्ट्रिक का झटका लग सकता है, तो एक पावर गेयरिंग होनी चाहिए कि इसको एक बार में हमने बंद कर दिया, पूरा पावर कट कर दिया। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर कुछ दिक्कत हो जाएगी तो हम सीधे कहाँ जाएंगे, एमसीबी जाकर एमसीबी गिरा देंगे, ऐसे ही होता है, यही होता है ना। तो मान लो फैक्ट्री है भाई, सारा का सारा काम भाई इलेक्ट्रिसिटी से चल रहा है, एकदम से अगर कुछ एक्सीडेंट हो रहा है तो भैया क्योंकि हमने साइंस में पढ़ा था लकड़ी लेके मारना होता है तो उसको बस मारते रह जाओगे, इससे अच्छा क्या करो, पावर कट कर दो। तो समझ रही, ये सब सेफ्टी मेजर्स होते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने क्या बोल रखा है कि भाई एक सेफ्टी ऑफिसर होगा जो जाकर चेक करेगा कि भाई ये सेफ्टी मेजर्स हुए कि नहीं। सेम वेलफेयर ऑफिसर क्या है, कि हम देखेंगे भाई भलाई के लिए, भलाई में अब क्या क्या आएगा, कि भाई फर्स्ट एड रखा है कि नहीं रखा है, जब काम होता है तो ब्रेक दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो, खाना खाने का टाइम दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो, ओवर टाइम तो नहीं करवा रहे। तो वेलफेयर अलग है, सेफ्टी अलग है, दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है। सर्टिफाई सर्जन समझ में आया, और क्या लिखा है, इंस्पेक्टिंग स्टाफ। स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है, वो इन सबको क्या करेगा, अपॉइंट। अब देखो उन्होंने बोल दिया इंस्पेक्टर, ये देखो लंबी चौड़ी बातें कर रही है, ये देखो इंस्पेक्टर की क्या दे रखी है, पावर, लेकिन शॉर्ट में भी इंस्पेक्टर समझ में आया, जो कि जाकर इंस्पेक्शन करेगा। फिर क्या दे रखा है, सर्टिफाइंग सर्जन, ये सर्टिफाइंग सर्जन कौन होगा, जो क्वालिफाई करेगा, टेस्ट करेगा, एग्जामिन करेगा, सैंपल इकट्ठा करेगा। वेलफेयर ऑफिसर, सेफ्टी ऑफिसर, ठीक है, ये सारे ऑफिसर्स है। फटाफट पहले वेलफेयर ऑफिसर रीड करो, देखो क्या लिखा है, दिखने में लगेगा कि ये भाई बहुत चिल्लर टॉपिक है, एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा, लेकिन मैं बता रही हूँ एग्जाम में केस कैसा आएगा। पहले से रीड करो क्या लिखा है, स्टेटरी ऑब्लिगेशन, ऑक्यूपायर की ऑब्लिगेशन है, क्या ऑब्लिगेशन है कि फैक्ट्री में क्या होना चाहिए, अपॉइंट होना चाहिए, क्या वेलफेयर ऑफिसर होना चाहिए जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है देखता रहे, वेर इन उस फैक्ट्री में जिसमें 500 लोग से ज्यादा वर्कर है, ड्यूटीज क्वालिफिकेशन जो भी होगा, जो सीजी स्टेट गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब कर रखा है वो उसके पास, वेलफेयर ऑफिसर के पास क्वालिफाइड वो होना चाहिए। अब एग्जाम में क्या आएगा, क्वेश्चन समझो, केस स्टडी फॉर्म में आएगा, लिखा होगा कि कंपनी में 450 एम्प्लॉयज है, वर्कर्स है, और इस कंपनी ने एक वेलफेयर ऑफिसर अपॉइंट नहीं किया, लेकिन ऑक्यूपायर ऐसा क्लेम कर रहा है कि हमें
हमारे ऊपर फैक्ट्रीज एक्ट के अकॉर्डिंग ये ऑब्लिगेशन आती नहीं है। तो बीइंग अ सीएस आप सजेस्ट करिए क्या वेलफेयर ऑफिसर को अपॉइंट करना चाहिए कि नहीं। अब आप बताइए 450 में अपॉइंट करना चाहिए क्या? तो इसके लिए आपको याद होना चाहिए कि 500 या 500 से ज्यादा वर्कर है तो होना चाहिए। इतनी छोटी सी बात स्किप हो जाएगी। अब सेफ्टी मेजर्स पढ़ो, कितने लोग वर्कर्स होने चाहिए। सेफ्टी ऑफिसर हमें तब चाहिए जब कितने हो, मोर देन 1000, ठीक है, वर्कर्स। दिख रहा है? तो ये छोटी छोटी बात है। चलो ये तो समझ में आ गया, दो ऑफिसर समझ में आए, वेलफेयर ऑफिसर और सेफ्टी। कब अपॉइंट करना है? 500 और 1000, याद रहेगा। अब और भी दो ऑफिसर्स थे, आ जाओ। सर्टिफाइंग सर्जन, स्टेट गवर्नमेंट ने अपॉइंट कर रखा है, क्वालिफाइड क्या लिखा है, मेडिकल प्रैक्टिशनर की बात हो रही है, लेकिन मेडिकल को चीरफाड़ करने वाले लोगों की बात नहीं हो रही है। किसकी बात हो रही है? सर्जन, मतलब सर्टिफाइंग सर्जन से मतलब कि वो भी करे, एक्सीडेंट होगा तो वो भी वो मैनेज करेंगे, लेकिन इसके अलावा और भी चीजें। सर्जन फॉर द पर्पज ऑफ दिस एक्ट, मतलब लोकल लिमिट्स ऑफ दी सच फैक्ट्री, क्लास डिस्क्रिप्शन ऑफ द फैक्ट्री एज मे बी असाइन द रिस्पेक्टिव सर्टिफाइंग सर्जन में विद द अप्रूवल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट ऑथराइज एनी क्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर होना चाहिए। इसके पास पावर है कि वो क्या करेगा, वो सारे काम करेगा। अब यहाँ कामों की लिस्ट है। ये सर्टिफाइड सर्जन क्या करेगा? एग्जामिनेशन और सर्टिफिकेशन ऑफ द यंग पर्सन, चेक करके बताएगा सच में वो यंग पर्सन है कि नहीं। अब यंग पर्सन की डेफिनेशन पढ़ी थी, यंग पर्सन मतलब चाइल्ड और अडोल्सेंट, ठीक है। अब होता है क्या, झूठ बोला जाता है। क्या झूठ बोला जाता है? कि भाई ये तो अडोल्ट है या फिर ये तो एडल्ट है, ऐसे झूठ बोल सकते हैं ना। तो चेक करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी इस सर्जन की है कि वो सर्टिफिकेट झूठा है कि सच्चा। वो सर्टिफिकेट नहीं देखेगा, कुछ सिम्टम्स होते हैं जिससे वो आइडेंटिफाई करेंगे कि भैया इस बच्चे की एज कितनी है, क्या झूठ तो नहीं बोला जा रहा ये इस बच्चा। बहुत सारी चीजें होती हैं मार्केट में जो आपको पता भी नहीं है, ठीक है। आपने कभी सावधान इंडिया ये सारी चीजें देखी होंगी, इंजेक्ट कर करके हार्मोन्स को बढ़ाया जाता है, ठीक है। आपको होती आपकी एज कम है लेकिन आपको बड़ा कर दिया जाता है, और स्पेशली ये गर्ल्स के साथ बहुत ज्यादा होता है क्योंकि आपने ह्यूमन ट्रैफिकिंग सुना ही होगा। ह्यूमन ट्रैफिकिंग क्या होता है? बेचना, ठीक है। तो बच्चों को बेचा जाता है, लड़कों को बेचा जाता है, लड़कियों को बेचा जाता है, ठीक है। तो छोटे बच्चों का भी काम नहीं, अगर बड़े लोग हैं, बड़ा करना है तो इंजेक्ट कर 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 हार्मोन्स बढ़ाए जाते हैं और बेच दिया जाता है। उम्र छोटी है लेकिन बॉडी वाइज आपको वो दिखने में लग रहे हैं कि बड़े, यस ऐसा किया जाता है और ऐसा फैक्ट्रीज में भी होता है। तो इस सर्जन का काम क्या है? चेक करना कि भाई ऐसा तो कुछ नहीं हुआ है, ठीक है। चलो फिर क्या लिखा है, एग्जामिनेशन ऑफ द पर्सन एंगेज फैक्ट्रीज, क्या डेंजरस ऑक्यूपेशन तो नहीं कर रहे हो, ठीक है। एक्सरसाइज द मेडिकल सुपरविजन कि भाई सारी चीजें सही है कि नहीं, तबियत खराब तो नहीं है कि भैया तबियत खराब है, इलनेस में आप काम करवा रहे हो, ये सब आपका चेक करने का पूरा काम है, ठीक है। यंग पर्सन, देन रीजन चेंज द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, अगर आपने कुछ चेंजेस किए इस कारण से क्या हमारे जो वर्कर्स हैं उनको दिक्कत तो नहीं हो रही। तो ये सारा उन्होंने डेटा दे रखा है, क्लियर है बच्चा। सर्जन समझ में आ गया, सर्टिफाइंग सर्जन। अब ऊपर आ जाओ, कौन था इंस्पेक्टर, कौन होगा, नाम से काम समझो, इंस्पेक्शन करेगा, ठीक है। शॉर्ट में अगर बताऊं, सबसे पहले स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है। स्टेट गवर्नमेंट के पास क्या है? पावर है। किस चीज की पावर है? वो इंस्पेक्टर अपॉइंट करेगा, ठीक है। इंस्पेक्टर्स, सबसे मेन जो इंस्पेक्टर होता है, ऊपर हम पढ़ चुके हैं कौन होता है, चीफ इंस्पेक्टर। मेन जो इंस्पेक्टर होगा वो होगा चीफ, उसके नीचे कौन कौन आता है, एडिशनल इंस्पेक्टर्स आते हैं, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कौन होता है? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, वो जो कोर्ट कचहरी वाले होते हैं। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को बोल दिया कि भैया आप इंस्पेक्टर हो, आप अपने डिस्ट्रिक्ट के, जबलपुर एक डिस्ट्रिक्ट है, इंदौर एक डिस्ट्रिक्ट है, भोपाल एक डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, कैपिटल भी है, चलो भूगोल तो ये डिस्ट्रिक्ट है। तो डिस्ट्रिक्ट में जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होगा उसको ऑटोमेटिक बोल दिया भैया तुम क्या हो, तुम क्या हो, इंस्पेक्टर हो, तुम्हारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि जाकर आपको फैक्ट्रीज में जाके चेक करना चाहिए। ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन के थ्रू अपॉइंट किया जाता है कि भैया ऑफिशियल गैजेट में स्टेट गवर्नमेंट ने बोल देगा भैया इसको हमने अपॉइंट किया, ये इंस्पेक्टर, ये इंस्पेक्टर, ये इंस्पेक्टर। पावर ऑफ द डिक्लेरेशन, स्टेट गवर्नमेंट पावर देगा मल्टीपल इंस्पेक्टर के, भैया आपके पास ये सारी पावर है, आप जाके इंस्पेक्शन करिए, किसी भी प्रमाइसेस में जाइए। चीफ इंस्पेक्टर जो एडिशनल है, मेन होता है चीफ और उसके बाद होता है एडिशनल, ये लोग आगे का पूरा इंस्पेक्शन करते हैं, फैक्ट्रीज में चेक करते हैं कि भाई सारे काम एज पर फैक्ट्रीज एक्ट के अकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा, ठीक है। तो ये पूरा जो भी मैंने अभी बताया, ये जो पूरा इतना जो लंबा चौड़ा था, इसको मैंने शॉर्ट में बताया। अब सीधे आ जाओ पावर में, क्या पावर है? पहला एंटर, एंटर करेगा, एंटर एंड सच असिस्टेंस बीइंग पर्सन सर्विस ऑफ द गवर्नमेंट एनी लोकल पब्लिक अथॉरिटी विद एक्सपर्ट थिंक फिट एनी प्लेस, इन शॉर्ट, शॉर्ट में बताऊं इसकी हेडिंग क्या है, किसी भी प्रमाइसिस में वो जाकर एंटर करेगा और इंस्पेक्शन कर लेगा। पहली पॉइंट समझ में आया। दूसरा क्या बोल रहा है,
प्रोमाइसिस में बस घुस जाएगा क्या? घुसने के बाद क्या करेगा? एग्जामिन करेगा, ठीक है? क्या एग्जामिन करेगा? जगह को एग्जामिन करेगा, प्लांट मशीनरी आर्टिकल को एग्जामिन करेगा कि सही है कि नहीं। देन वहां पे क्या करवाएगा? इंक्वायरी करवाएगा, अगर कोई एक्सीडेंट या फिर कोई भी डेंजरस चीज हुई है तो वो चेक करेगा कि सच में ऐसा हुआ है कि या फिर किसी ने जोर जबरदस्ती ऐसा कर दिया। लड़ाई भी तो हो जाती है ना, काम करते करते हुआ या फिर बहस हो गया, जो भी है वो अब उसका काम है। रिक्वायर्ड द प्रोडक्शन ऑफ एनी प्रिस्क्राइब रजिस्टर, रजिस्टर वगैरह भी वो मंगवाएगा कि भाई सारे रूल्स रेगुलेशन फॉलो करें। अगर कुछ भी गड़बड़ लगेगा तो क्या कर देगा? सीज या फिर उसकी एक कॉपी मंगवा लेगा। डायरेक्ट द ऑक्यूपायर, मतलब डायरेक्शन देगा। किसको डायरेक्शन देगा? ऑक्यूपायर को, कि भाई काम कैसे होने चाहिए, ठीक ढंग से अगर नहीं हो रहे। टेक मेजरमेंट एंड फोटोग्राफ्स एंड मेक द रिकॉर्डिंग, अगर उसे कुछ भी जरूरी लगेगा तो वो ये सारे काम करेगा। इन केस द आर्टिकल एंड सब्सटेंस फाउंड एनी प्रोमाइसिस, जिसमें भी उसे डाउट लग रहा है तो भाई उसको डाउट को वो क्लियर करेगा। तो ये सारे के सारे काम है एक्साइज सच पावर, जो भी उसे डीम फिट लगेगा। क्लियर है? तो सीजी सॉरी स्टेट गवर्नमेंट पहले ये सारे लोगों को क्या करेगा? अपॉइंट करेंगे, और इनके अपने खुद के काम है। क्लैरिटी है पक्का? आज भी हम वो वाला करेंगे कि मैं तुम लोग को दूंगी 5-10 मिनट और उसमें देखते कितना पढ़ पाते हो तुम लोग, ठीक है? नहीं, बाद में, ठीक है? आज की सभा समाप्त, एंड में।